लोग परेशान हैं और अपने अपने राज्य लौट जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी इनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है। बता दें कि रायपुर के लाभांदी में कई मजदूरों और प्रवासियों को ठहराया गया और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया। सभी की जांच की गई है और 14 दिन क्वारंटाइन में रखे जाने के बाद सभी की एक बार फिर से जांच की जाएगी और फिर उनके लिए दूसरे राज्य जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। राजधानी के लाभांडी ब्रह्मदेव नगर में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 53 लोग क्वारंटाइन पर है। आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग आंध्र प्रदेश के हैं, जो महाराष्ट्र के गोंदिया से चलकर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्हें क्वारंटाइन पर रखा गया है। कुल 53 लोग हैं जिन्हें क्वारंटाइन पर रखा गया है। ये जो मकान है वो पीएम आवास योजना के तहत है, जिसे लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। सभी तमाम लोगों को जो है क्वारंटाइन पर रखा गया है और इनकी जो जांच है वो समय समय पर की जा रही है। कैमरामैन रेशम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं अलीराजपुर में कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से